आज एसएससी जीडी का जो एग्जाम था, तीन शिफ्ट में कितने क्वेश्चन आए हैं वो सारा मैं आपको इस वीडियो में करा दूंगा। और एक बात याद रखिएगा, एग्जाम जिनका भी कल है ना, विटामिन कम से कम पढ़कर जाना, विटामिन से क्वेश्चन बन रहा है। और मैं कल सुबह ना आपका 8-9 बजे के बाद ना विटामिन का पूरा वीडियो डाल दूंगा चैनल के ऊपर। और एक बात याद रखिएगा, मैं कल भी बोला था आज भी बोल रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो आसान बन रहा है। आप एक बार पेपर को, सवाल को अच्छे से पढ़ना, सवाल हो सके ना घुमा दे रहा है लेकिन आंसर वही है जो आपने पढ़ कर गया है, ठीक है। और एक बात, आपके एग्जाम में जीएस में अगर जीके जीएस में 25 क्वेश्चन है ना, आपको 80% क्वेश्चन एकदम वो मिलेगा जो आप पढ़कर गए हैं, एकदम हड़बड़ाना मत। मैं बराबर बोला हूं, 4-5 क्वेश्चन अगर नहीं बने तो हड़बड़ाना नहीं है, अपने ऊपर प्रेशर को हावी बिल्कुल भी नहीं होने देना है, एग्जाम बहुत अच्छे से आप सभी का जाएगा। और जो जीके जीएस के लिए मैंने आपको नोट दिया था, आज भी जीडी के एग्जाम में प्रमाण कर दिया हूं, आप सभी भी फर्स्ट शिफ्ट में देख सकते हैं, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट में कितने सारे क्वेश्चन, 80% से ज्यादा क्वेश्चन हमारे नोट से था। और ये था नहीं, ये मैं ना कसम खाकर बोल रहा हूं, आप सभी जिनके पास भी है, जो एग्जाम देने गए हैं, आपको मैंने बता भी दिया है लैपटॉप ओपन करने के बाद ना कंट्रोल एफ मारकर सर्च मार लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं। अगर मैं बोलूं नहीं आया और आप बोले, अगर मैं बोलूं आया है और आप बोले नहीं आया, तो बात तो खत्म हो गया। तो इसका प्रमाण कैसे किया जाए, एक बार ओपन कर आप सभी जो है वो देख लीजिएगा क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है। और फटाफट क्लास स्टार्ट करवाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने था, नवाड का स्थापना कब किया गया, काफी बार समझा चुका हूं, 12 जुलाई 1982 को। सिंगमो महोत्सव किस राज्य मनाते हैं, नोट्स में मिल जाएगा आपको, गोवा में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, पावर प्ले के दौरान 15 मीटर की जो बाउंड्री होती है, सर्कल होता है, उसके बाहर कितने खिलाड़ी होते हैं, तो मात्र 2 खिलाड़ी होता है। वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो बताया गया है, नोट्स में आपको ये भी दे दिए हैं, केंद्र मंत्री और उनका निर्वाचन क्षेत्र आपको मिल जाएगा। उसके बाद अजंता की गुफा कहां पर है, महाराष्ट्र में, अजंता हो, इलोरा हो या फिर आपका इलेफेंटा हो, ये सब कहां पर है, सब महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, विटामिन ए या फिर ई, आज तो विटामिन डी का भी पूछा थर्ड शिफ्ट में या सेकेंड शिफ्ट में, विटामिन का पूरा वीडियो कल मैं आपको दे दूंगा, इसका वैज्ञानिक नाम पूछा है आपसे, रेटिनॉन और आपका टोकोफेरोल। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं, सागरमाथा, आसान क्वेश्चन। इसरो का गठन कब हुआ था, 1969 में, डीआरडीओ का 1958 में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, अच्छा ईसीजी का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो आसान क्वेश्चन, दिल की समस्या का निदान करने के लिए, जीएस वाले 1000 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। मसालों के बगीचे को क्या कहते हैं, आपका केरल, ये नोट्स में मिल जाएगा आप सभी को। वियतनाम की मुद्रा क्या है, डोंग, ये मैं डेली आपको सुबह 8 बजे वाले क्लास में करवा रहा हूं। एचटीएमएल का फुल फॉर्म, एनटीपीसी, एनटीएस, सीएचएसएल, जीडी, कितना बार पूछा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। भूटान की राजधानी थिम्पू, चीफ जस्टिस कौन है, कितना बार ये सब क्वेश्चन करवाया गया है। ऑस्कर अवार्ड किसको मिला, मैंने बोला था ना जीडी के एग्जाम में अगर करेंट अफेयर पूछेगा तो प्रश्न वही पूछेगा जो बहुत ज्यादा चर्चा में है, वही क्वेश्चन पूछेगा। अमरावती टाइगर रिजर्व, 2 दिन पहले करवाया गया क्वेश्चन है। उसके बाद से भारत रत्न पहली बार किसको दिया गया, 3 लोगों को दिया गया था, सीवी रमन, राधाकृष्णन, पद्म गोपाल आचार्य, ये आप पढ़ लीजिएगा, आसान क्वेश्चन हमारे सामने है। पैरा ओलंपिक में भारत को कितने पदक मिले हैं, कुल भारत को कितने पदक मिले हैं, ये आपका थर्ड शिफ्ट में पूछा है या सेकेंड शिफ्ट में या फर्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछा था। भारत का स्थान कितना था, 24, और टोटल पदक भारत को 19 मिला है जिसमें 5 जो है वो गोल्ड मेडल। अगला क्वेश्चन, वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। भारत की सबसे लंबी नदी, तो गंगा नदी सबसे लंबी है और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी घाघर है, ठीक है। अब बुद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखा गया, अश्व घोष के द्वारा। चिराव मित्र कहां का है, तो आपका मिजोरम का है। मुंडारी बहुत लोग बोल रहे हैं, तो वो आपका झारखंड का है। डांस वाला जो नोट्स है ना, एक क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा, गारंटी है। सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली है। उसके बाद से हमारे सामने पूछा, ओलंपिक किस वर्ष स्टार्ट हुआ था, 1896 में एथेंस में, और पैरा ओलंपिक 1960 में रोम में।
अगला क्वेश्चन हमारे सामने एनटीपीसी का फुल फॉर्म पूछा है, बताइए आप एग्जाम दे रहे हैं इसका। आजाद हिंद फौज का गठन 1942 में किया गया है, पहला आईआईटी कौन था, खड़गपुर था। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है किस वर्ष में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। पिछले एक महीना में ना 15 से 20 बार मैंने आपको इसके बारे में बताया है। 44वां संशोधन हुआ था, उसके बाद 300A नंबर आर्टिकल में डाल दिया गया था। SGST का फुल फॉर्म, उसमें S का मतलब क्या है, आपका स्टेट, एक होता है G, एक होता है आपका क्या सेंट्रल, CGST, इसमें C का मतलब सेंट्रल होता है। आम का वैज्ञानिक नेम एक दिन पहले करवाया गया, 1000 क्वेश्चन के नोट्स में टेलीग्राम पर भी पड़ा हुआ, चेक कर सकते हैं आप सभी। ये मेरे GS वाले क्वेश्चन में मिल जाएगा आप सभी को कि मलेरिया जो ठीक करते हैं वो कौन से पेड़ से, आपका सिंकोना पेड़ से। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है, आपका स्टेट बैंक। RBI के द्वारा कौन सा पॉलिसी फॉलो नहीं करते हैं, तो SLR हो या फिर आपका क्या MSF हो या फिर आपका रिपो रेट हो, CRR हो, ये सब जो है RBI के द्वारा। ऑप्शन में GST तक कोई भी बोल देगा। कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में आता है, तो आपका तिब्बत में। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। कर्नाटक के राज्यपाल पूछा है, डेली सुबह में पढ़ा रहे, थावरचंद गहलोत। भारत में GST कब लागू किया गया, 2 दिन पहले, 1000 वाले नोट्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम पर पड़ा हुआ, फ्री में देख सकते हैं, 1 जुलाई 2017 को। इगोस महोत्सव कहां पर मनाया था, उत्तराखंड में। 19 तक संशोधन कितना हुआ था, अमेंडमेंट 105। ये सब क्वेश्चन करवाया गया है बाबू। ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईयर 2019 के लिए ऑक्सफोर्ड में किस वर्ड को चुना गया था, तो क्लाइमेट इमरजेंसी को। सब करेंट अफेयर क्वेश्चन ये वाला। WHO गठन कब हुआ, 7 अप्रैल 1948 को। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं, टूरिज्म डे, तो 27 सितंबर को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, DNA का पूर्व रूप क्या है बाबू, 1-2 दिन पहले, 1000 वाले नोट्स में मिल जाएगा आप सभी को। और DNA का आविष्कार किसके द्वारा कर, सब मिल जाएगा आपको, 2 दिन पहले करवाया गया। एक क्वेश्चन था आपका, हाल फिलहाल में जो उद्घाटन हुआ ना उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट का, खुशीनगर, उससे था हमारा। चेचक किसके कारण होता है, GS वाले नोट्स में मिल जाएगा आपको, जोस्टर वायरस। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, 1000 वाले क्वेश्चन में मिल जाएगा, 2 दिन पहले करवाए हैं, सुचिता कृपलानी, और एक मायावती भी थी जो महिला मुख्यमंत्री रह चुकी है उत्तर प्रदेश की। आसाम के शोक रूप में किस नदी को जाना जाता है, तो आपका टर्बुलेंट रिवर ब्रह्मपुत्र को। पीर पंजल रेंज कहां पर स्थित है, 2 दिन पहले करवाए हैं, 1000 वाले नोट्स में मिल जाएगा आपको, हिमाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ है। बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री सबको पता है, शेख हसीना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, सिडबी का फुल फॉर्म पूछा है, बताओ, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। WWW का फुल फॉर्म पूछा है, वर्ल्ड वाइड वेब। लेबनान की राजधानी पूछा है, बेरूत। अरे बाप रे, डेली करवा रहे करंट अफेयर में। फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, MTS में पूछा, NTPC में पूछा, GD में पूछ रहा है, क्वेश्चन करवाया गया, नोट्स में मिल जाएगा। गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं, नर्मदा को यार। अगला क्वेश्चन, हवा महल कहां पर है, 1000 क्वेश्चन के नोट्स में मिल जाएगा, जयपुर। हवा महल में कितनी खिड़की है, सब करवाए हैं, देख लो आप सभी। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ है, 1000 क्वेश्चन वाले नोट्स में मिल जाएगा, खोल कर देख लीजिए। ये 2 दिन पहले, 2 दिन पहले सब क्वेश्चन करवाएं, 1-2 महीने 2 दिन पहले क्वेश्चन करवाएं। या फिर आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा होगा आप सभी से ना, कि पहले युद्ध में किसने हराया था, तो बाबर जी था आपका, इब्राहिम लोदी को हराकर। पहला लड़ाई, दूसरा लड़ाई, तीसरा लड़ाई देख लीजिएगा, 14 जनवरी 1761 को हुआ था। NRI डे कब होता है यार, MTS में पूछा, NTPC में पूछा, GD में पूछ रहा है, 9 जनवरी को। 400 डे किसके द्वारा लिखा गया, चेतन भगत के द्वारा। ये क्वेश्चन सब करवाया गया। कालबेलिया नृत्य कहां पर है बाबू, MTS में पूछा, NTPC में पूछा, GD में पूछ रहा है। विश्व फेफड़ा दिवस 25 सितंबर को मनाते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अभी किसको मिला, रजनीकांत को मिला है बाबू रिसेंट में। अयोध्या शहर किस नदी पर है बाबू, NTPC में पूछा, MTS में पूछा, CHSL में पूछा, GD में पूछ रहा है। सरायु नदी के किनारे। कलिंग पुरस्कार उड़ीसा के द्वारा दिया जाता है। राजाजी नेशनल पार्क कहां पर है, उत्तराखंड में। नोट्स खोल लेना स्ट्रेटेजी के वाला, आपको एक गारंटी है मिल जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर पूछा, द रेस ऑफ माई लाइफ बहुत पॉपुलर मिल्खा सिंह के द्वारा, नीति आयोग का सीईओ कितना बार डेली सुबह करवा रहे अमिताभ कांत के द्वारा, चेयरपर्सन मोदी जी है, 2015 में इसका गठन हुआ है प्लानिंग कमीशन को खत्म करने के बाद नीति आयोग को लेकर आया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में देते हैं, तो साहित्य के क्षेत्र में देते हैं यानी लिटरेसी के क्षेत्र में देते हैं, लिटरेचर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, विटामिन डी का आपसे पूछा वैज्ञानिक नाम बताओ, क्लासिक फॉर एरोल, लोसांग उत्सव कहां मनाते हैं, एमटीएस में पूछा, एनटीपी से पूछा, सिक्किम, सब नोट्स मिलेगा। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। टोटल पैरा ओलंपिक मेडल कितने जीता भारत ने अब तक, 19। नेशनल अवार्ड मिला था कंगना रनावत को किस मूवी के लिए, आपका किसके लिए, मणिकर्णिका के लिए। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आज बने हैं, आज बना है, और जो भी क्वेश्चन छूटा होगा आप बता दीजिएगा। और एक बात मैं बोलता हूं, आपके एग्जाम में ना 25 क्वेश्चन है, आपको टारगेट लेकर चलना है 80% क्वेश्चन का, इतना आपको लेकर चलना है, यानी 25 में 20 ना अगर आप पढ़ाई किए हो ढंग से, बिल्कुल आपके एग्जाम में निश्चित है बनेगा, निश्चित। बस क्वेश्चन को ठंडे दिमाग से अच्छे से पढ़िएगा, हड़बड़ाना मत एग्जाम में, ठीक है। रात को देखता हूं मैथ क्लास भी पूरा दे दूंगा जो आपके एग्जाम में आज क्वेश्चन बना है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।